वेलकम बैक दी वेलकम, आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज के इस गेम प्ले हम खेलने वाले हैं मिनोटी द पायरेट सर्वाइवल आरपीजी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और सर्वाइवल गेम है। और गाइस आज के इस गेम प्ले में हम जो नई नई चीज़ें क्राफ्टिंग की चीज़ें होती हैं उसको प्लेस करने वाले हैं। और गाइस आज मेरे को कुछ अनोखी चीज़ पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो आपके स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबा के एकदम ग्रे टाइप का कर दो। तो गाइस आज के इस गेम प्ले में मैं आपको बताऊंगा, मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड हैं ना, हम उन सबको अपने अलग अलग हथियार दे सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्वाइव करके यहाँ पर गन वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम उनके हाथों में नए नए हथियार वगैरह देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पत्थर वगैरह कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि गाइस मेरे को नई नई चीज़ें प्लेस करनी थी तो उसके लिए ज़रूरी थी ये सारी चीज़ें। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टोन कटर लगाने के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिया है स्टोन कटर को, मतलब ऐसी कर करके जितने भी यहाँ पर क्राफ्टिंग की चीज़ें होती हैं सब कुछ यहाँ पर मैं प्लेस करने वाला हूँ। तो गाइस उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ और रह गई थी, लेदर करके कुछ था, मतलब इसका नाम नहीं पता, तो ये भी मैंने प्लेस कर दिया है। इसके अंदर जो एनिमल के चमड़े वगैरह होते हैं उनसे ये कपड़े वगैरह बना लेते हैं या फिर रूट्स वगैरह के। तो गाइस यहाँ पे जो स्टोन कटर होता है वो जो स्टोन के बड़े बड़े टुकड़े होता है उनको काट के छोटे छोटे हिस्सों में कर देता है, और गाइस इससे आप अपने घर को अपग्रेड कर सकते हो, ये इन सब चीज़ों में काम आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रूट वगैरह देखने को मिले थे। और गाइस यहाँ पे देखते ये रहे हमारे सारे के सारे फ्रेंड। पहले मैं सोच रहा था इन सारे करेक्टर को हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे चूज़ नहीं कर सकते। आपको जितने कि जैसे कोई हमारे घर पर ऐड कर देता है हमारे आइसलैंड पर, तो ये सारे के सारे हमें उससे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं छोटे से केव के अंदर आ गया था, और केव के अंदर गाइस मेरे को पता था क्योंकि मैंने वेस्टलैंड भी प्ले कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो गाइस इसके अंदर हमें वियर मिलता था, लेकिन गाइस यहाँ पे हमें गोरिल्ला मिला है, और गाइस ये गोरिल्ला की हेल्थ 800 है जो कि मेरे को इजीली मार देगा। तो गाइस मैं धीरे धीरे यहाँ पे बैठते बैठते इसके बिल्कुल ठीक पीछे से इस बंदे के पास आ गया, जिसको इसने मार के यहीं पर टांग रखा है, मतलब काफ़ी खतरनाक इसने मारा है। और गाइस इसके पास से मेरे को एक तगड़ी सी गन मिल गई है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब गाइस इसी गन से इसका मुँह फोड़ने वाले हैं। तो गाइस ये गन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर हर एक गोली के बाद एक रीलोड मांग रही थी, काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये गाइस शायद शॉट गन टाइप की गन है इस वजह से। तो गाइस ये जो गोरिल्ला था ये तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो इसके दांत वगैरह थे वो सारे मेरे को अपने टाउन लेके जाने थे, क्योंकि टाउन में ही हमें जो नई नई चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं। मतलब टाउन में आप देख सकते हो जो मैंने इतना बड़ा प्लेस किया है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा ये क्या चीज़ करती है, मतलब क्या काम करती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ और प्लेस कर लिया था, इसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस इसके अंदर से जो लेदर वगैरह होती है उससे आप अपने क्लोथ वगैरह बनाने में या फिर गन के जो हैंड के साइड जो लगता है वो सब चीज़ें करने में आप क्राफ्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने लेदर का ये थिक लेदर करके कुछ बना लिया है। और गाइस यहाँ पे मैं आ चुका था दोबारा से सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़रूरत थी, मतलब मैपल वगैरह की, मतलब वुड वगैरह की। तो यहाँ पे मैं आ चुका था, क्या कहते हैं इसका नाम गाइस मैं भूल गया था, मतलब इसका नाम मेरे ख्याल से था, हाँ, वैम्बू आइसलैंड। मतलब ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको कुछ भी अगर वुड से रिलेटेड चाहिए या फिर जूट वगैरह चाहिए, मेरे को जूट वगैरह काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि इससे मैं जो बेस है अपना वो तैयार कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं जूट लेने के लिए आया था, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे एनिमी देखने को मिले और यहाँ पे मैंने उन सबको डाउन कर दिया था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत स्टोन भी ले लिया जाए, लेकिन स्टोन के लिए मेरे पास चीज़ें अभी थे नहीं, मतलब स्टोनक्स वगैरह नहीं था, तो मैंने यहाँ स्टोनक्स क्राफ्ट कर लिया। और यहाँ पे मेरे को जूट भी मिल गया, तो मैंने यहाँ पे जूट भी क्राफ्ट कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैं धीरे धीरे बैठ के जा रहा था, उतने में ये जो टाइगर है आ जाता, मेरे को इसी में डर था, क्योंकि जो मैप में आने पर्पल कलर का कुछ साइन आ रहा था, तो मेरे को लगा था कुछ खतरनाक ही होने वाला है, तभी मेरे को ये दिख गया। और गाइस यहाँ पे ये जख्मी बियर भी आ गया था, मतलब जख्मी पिक कह सकते हो, तो इसको मैंने मार के इसके अंदर से मेरे को ब्लैक लेदर मिला है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मैंने यहाँ स्टोन उसकी जगह वुड की जगह पे रख लिया है, बैम्बू की जगह भी आप कह सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मेरे को मेन जूट चाहिए था, तो मैंने काफ़ी सारे जूट यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। और गाइस यहाँ पे मेरे को एक और देखने को मिल गया यहाँ पे, मतलब एक और ये आ गया, मतलब पाइथन वगैरह यहाँ पे क्या है इसका नाम, CORD कर्ड करके कुछ है इसका नाम, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। और गाइस यहाँ पे एक और बियर आ जाता है, मैं इसको भी यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, जो कि मेरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मार नहीं पाता है। तो यहाँ पे से गाइस ये एक तीर धनुष वाला बंदा आ जाता है, जो कि बो लेके मेरे को काफ़ी सारे बो मार देता है यहाँ वहाँ, लेकिन जो मेरी हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद गाइस मैं पूरे जो एनिमल है ना उनके झुंड के बीच में फंस जाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो गाइस आप देखो मैं उनके बीच से निकल पाता हूँ या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें वगैरह मिली थी, तो गाइस ये रहे वो सारे एनिमल। तो गाइस यहाँ पे इस वाले गेम में थोड़ा उल्टा है, अगर मैं एनिमल को अपने पेट बना लेता हूँ तो गाइस उनके पीछे काफ़ी सारे एनिमल पीछे पड़ जाते हैं, ये मैं नहीं बिल्कुल चाह रहा था कि ऐसा हो,
तो गाइस यहाँ पे देखते हो जो ये दोनों लड़ रहे थे, इतने में ही जो बाकी एनिमल है जो मेरे एनिमल पे अटैक करने की इन्होंने सोची। और गाइस यहाँ पे देखना कितने सारे एनिमल मेरे को मारने के लिए आ जाते हैं और मेरी जो हेल्थ है कितनी ज़्यादा जल्दी जा रहे होते हैं और जो मेरा पिग था वो काफ़ी जल्दी मर जाता है। तो ठीक है, नहीं आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो।